खबर गाजीपुर से है, जहां सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का एक सभा को संबोधित करते हुए भाषण वायरल हो गया। अपने भाषण में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने देश के शहीदों से अपने भाई मुख्तार की तुलना की है। अफजाल ने राजगुरु बिस्मिल अशफाक उल्लाह से मुख्तार अंसारी की तुलना की। अफजाल ने सुखदेव भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से मुख्तार अंसारी की तुलना की। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए अफजाल ये भाषण दे रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुखदेव भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से अंग्रेजी सत्ता का पतन हुआ। अफजाल ने कहा है कि राजगुरु बिस्मिल अशफाक उल्लाह की कुर्बानी से देश को आज़ादी मिली। अफजाल ने भाषण में आगे कहा कि आज सरकार की हुकूमत और ताकत के जरिए समाज को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में आज फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। अफजाल अंसारी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि हमारे भाई ने आगे बढ़कर इस जंग में कुर्बानी दी। अफजाल ने दावा किया कि हमारा पूरा खानदान कुर्बान होने के लिए तैयार है, इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए। अफजाल ने कहा कि हम उस मिट्टी के बने हैं जो घुटने नहीं टेकेंगे, हम अजीत पवार नहीं हैं। अफजाल अंसारी के भाषण का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जमानिया क्षेत्र के एक सभा का बताया जा रहा है। गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। मशाल जली और आखिरकार अंग्रेजों की सत्ता का पतन हुआ और इस मुल्क को आजादी मिली। आज भी सरकार के जरिए से, अपनी हुकूमत की ताकत के जरिए से समाज को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है और इस बार फिर आपको एक आजादी की लड़ाई लड़नी है, इसमें फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम तो यही मानते हैं कि हमारे भाई ने आगे बढ़ करके इस जंग में अपनी कुर्बानी दी है, हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए, न सिर्फ गाजीपुर की धरती पर बल्कि पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार के ज्यादातर इलाके में। इस गुनाह ने इस हुकूमत के घड़े को फाड़ दिया है, हर तरफ थूक रहे हैं लोग। जितना जुल्म ढाया गया इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। आप बताइए, कभी आज से पहले ऐसा हुआ था कि अर्थी जाती हो किसी की और उसमें कहा जाए कि इस अर्थी में इतने लोग जाएंगे इतने नहीं जाएंगे? कभी ऐसा हुआ था किसी की चिता पर कौन लकड़ी रखेगा, इतने लोग लकड़ी रखेंगे इतने लोग नहीं रखेंगे? किसी को कब्र में मिट्टी इतने लोग देंगे इतने लोग नहीं देंगे? हमारे साथ ये हुआ, रोका गया, पूरे जनपद को सील कर दिया गया। बलिया को, मऊ को, आजमगढ़ को, जौनपुर को, बक्सर, बिहार, बादल, गंगा नदी पर बने हुए 6 पुल खोल दिए गए। मुख्तार को कंधा देने को याद न सके, लेकिन उसके बावजूद ये कुदरत का करिश्मा था कि सारे बंधन तोड़ के लाखों की तादाद में वहां लोग उमड़ के आए। हर रात हर गांव